अस्सलाम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। डियर, जैसा कि आपने देखा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन की। उस टॉपिक का नाम था कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। मैंने आपको ये बताया कि कंटिन्यूटी जो है ना वो किस तरह चेक करते हैं, किस तरह हम चेक करते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, जो कि एक्सरसाइज 2.5 को करने से पहले बहुत ज़रूरी कंसेप्ट था आपके लिए समझना, ताकि जो है ना वो एक्सरसाइज 2.5 को क्वेश्चन को हम ईजिली समझ सकें कि बेसिकली जो है ना वो कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका जी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और यहाँ पे आपको आई बटन में भी शो हो रहा होगा, यहाँ पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। आज के लेक्चर की बात करें तो आज के लेक्चर में मैं थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 2.5 के पहले चार क्वेश्चंस कंटिन्यूटी फ्रॉम ग्राफ्स, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो है इसके ग्राफ्स बना के मेंशन कर दिए, ताकि जो है वो आपका टाइम वेस्ट ना हो सके, आज के लेक्चर में डिस्कस करूंगा। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस किया करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करता हूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जी तो डियर स्टूडेंट, ये देखिए हमारे पास कंटिन्यूटी फ्रॉम ग्राफ्स, यानी कि ग्राफ्स हमारे पास ऑलरेडी उसने हमें दिए हुए हैं। ग्राफ्स को देख के हमने ये बताना है, उसने हमें ये पूछा हुआ है कि इस इन ग्राफ्स में जो है ना वो फंक्शन कहाँ कहाँ पे, पहला क्वेश्चन तो यह है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं कंटिन्यूस। पहले तो हमने ये बताना है कि ये जो आपने उसको उसने फंक्शन दिया हो, ये कंटिन्यूस है या कंटिन्यूस नहीं है। अगर तो वो कंटिन्यूस है तो वो क्यों कंटिन्यूस है, उसकी रीजन बताएं। अगर वो कंटिन्यूस नहीं है, वो डिसकंटिन्यूस है, तो किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, उसकी रीजंस क्या है, वो सारी हम डिटेल से जो है इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। तो देखें भाई, अगर क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करूँ तो पहले उसने हमें बेसिकली क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि जो उसके इंटरवल है वो -1 से 3 तक, यानी कि क्लोज इंटरवल, यानी कि -1 से 3 तक, ये जो है ना वो ज़्यादा गौर करने वाली चीज़ नहीं। इसका जो है ना जस्ट मतलब ये है कि जो उसने हमें ग्राफ दिया वो -1 से 3 के दरमियान उसने दिया हुआ। ये देखें, -1 से 3 के दरमियान इसका ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है, इस फंक्शन का ग्राफ -1 से 3 तक इस फंक्शन का ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है, -1 से 3 के दरमियान इंटरवल का बेसिकली ये मतलब है। इस इंटरवल के दरमियान में रहते हुए जो जो उसने यहाँ पर ग्राफ ड्रा किया हुआ है, ये मानो हमारे पास जो है वो फंक्शन y इक्वल एफ ऑफ एक्स है, ये हमारे पास फंक्शन y इक्वल टू एच ऑफ एक्स का उसने हमें नाम दे दिया है, y इक्वल टू जी ऑफ एक्स का नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर, और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में y इक्वल टू के ऑफ एक्स, फंक्शन कोई भी आप जो है ना उसको नाम दे सकते हैं। तो देखे साथ साथ मैंने इनके आंसर भी यहाँ पे मेंशन कर दिए, ताकि इन आंसर को देखते हुए, इनको समझते हुए हम जो है वो आपको बता सकूँ, डिटेल से आपको समझ आ सके कि बेसिकली जो है ना वो फंक्शन कब कंटिन्यूस होता है, कब डिसकंटिन्यूस होता है, किस पॉइंट पे क्यों हो रहा है, उसकी रीजंस क्या हैं। बहुत डिटेल से जो है डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो बेसिकली, मैं सबसे पहले दो चीज़ें आपको समझनी होगी, ये आपके पास है फील्ड डॉट और ये आपके पास होल डॉट है। अब होल डॉट और फील्ड डॉट वाला कंसेप्ट मैंने आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। अगर फील्ड डॉट की बात करें तो उसका मतलब ये फील्ड डॉट है हमारे पास, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे -1 के सामने इसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ये होल डॉट 2 के सामने आपके पास होल डॉट है, यानी कि 2 पे, तो इसका मतलब कि 0.2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, फंक्शन हमें वैल्यू नहीं दे रहा, होल डॉट का ये मतलब है। तो देखें, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये भी बताया था कि ये हमारे पास फर्ज के वो ग्राफ कंटिन्यूस है, लेकिन यहाँ पे आपके होल डॉट यहाँ पे आ गया, यानी कि यहाँ पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कि ये कंटिन्यूस नहीं हो सकता, ये डिसकंटिन्यूस हो गया, ठीक है। तो इसी तरह जो है ना वो फंक्शन, ये हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये डिसकंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। तो देखें, x इज इक्वल टू 2 पे जनाब डिसकंटिन्यूस क्यों है, क्योंकि देखें भाई, x इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, x एक्सिस 2 के सामने देखिए हमारे पास होल डॉट है, हमारे पास क्या है, होल डॉट है। तो होल डॉट का मतलब है कि यहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसका मतलब कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो गया, कंटिन्यूस नहीं रहा। उसके बाद नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 2, फिर जो है ना वो एक्स इक्वल टू 2 पे जो है ना वो ये ऑब्वियसली डिफाइन भी नहीं है, जब इस पॉइंट पे मैं जो है ना वो फंक्शन की वैल्यू ही नहीं मिलेगी, इसका मतलब जो है ना वो ये फंक्शन जो है ना वो एक्स इज इक्वल टू 2 पे डिफाइन नहीं है, इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। बहुत सिंपल था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। इसके बाद हम जो है ना इसके क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स हमें उसने फंक्शन दिया हुआ। तो इसमें देखें भाई, ये हमारे पास यहाँ पे वाई एक्सिस है और ये हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस है। उसी तरह उसने पॉइंट दिए हुए -1, 0, 1, 2, 3 इंटरवल के अकॉर्डिंग -1 से 3 के दरमियान उसने ग्राफ हमें यहाँ पे ड्रा करके दे दिया हुआ है। यहाँ पे आपके पास क्या है भाई,
फिल्ड डॉट है, यहां पे आपके पास होल डॉट है, यहां पे फिर आपके पास फिल्ड डॉट है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, यह फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। देखें यहां पे आपके पास होल डॉट है थ्री के सामने, तो थ्री के सामने होल डॉट का मतलब है कि यहां पे भी इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो फिर यह फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए, मैं दूसरी कंडीशन हम लोगों ने ये पढ़ी थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है ना वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, और दोनों को जो है ना वो आंसर भी सेम आना चाहिए। और तीसरी कंडीशन हमने जो है ना वो कंटिन्यूटी वाली डेफिनेशन में ये पढ़ी थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और जो भी राइट हैंड लिमिट हमारे पास आती है वही आपके पास जो है ना वो फंक्शन की लिमिट होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास एक्स अप्रोचेस टू थ्री के ऊपर नेगेटिव है, यानी कि ये हमारे पास पॉइंट यहाँ पे थ्री है, ठीक है, ये हमारे पास यहां पे थ्री है। तो देखिए अगर मैं जो है ना वो थ्री के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट से अप्रोच करवाता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट से थ्री के ऊपर अप्रोच करवाता हूं, तो सामने मेरे पास फंक्शन की वैल्यू तकरीबन यहां पे जो है ना वो इसके सामने वन है, शायद यहां पे जो है ना इसकी वैल्यू, यहां पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू वाई एक्स के ऊपर वन आ रही है। लेकिन अगर मैं जो है ना वो जी ऑफ थ्री पे वैल्यू चेक करता हूं, जी ऑफ थ्री का मतलब है कि एक्स की जगह पे थ्री पुट करना है, यानी कि एक्स की वैल्यू थ्री है, तो एक्स की वैल्यू जब थ्री होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी। तो ये हमारे पास थ्री है, एक्स एक्स भी थ्री है, थ्री के सामने यहाँ पे तो आपके पास होल डॉट है, यहाँ पे तो आपको आपके आपको वैल्यू मिल नहीं सकती, तो फिर आप जो है ना वो ये फील्ड डॉट देखेंगे, ये फील्ड डॉट भी थ्री के सामने मौजूद है, तो फील्ड डॉट के सामने जहाँ पे आएंगे तो ये तकरीबन 1.5 जो है ना वो आपकी वैल्यू बन रही थी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट से अप्रोच करवाया, वन वैल्यू बनी, जी ऑफ थ्री की वैल्यू हमारे पास 1.5 आ रही है, दोनों की आंसर सेम नहीं आ रहा, लिमिट सेम नहीं आ रही, मतलब कि यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। अब देखिए मैं भी आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैं आंसर से देखे क्यों बता रहा हूँ, अगर आपको तो क्या पता कि इसका आंसर क्या है, ये भी आप जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बेसिकली देखें, हमने जो है ना वो उन्हीं पॉइंट्स पे चेक करना होता है जहाँ पे उसने हमें लोकेशन दी हुई है। देखिए उसने तो एक हमें यहाँ पे ये दिया हुआ है, हमारे पास फील्ड डॉट दिया हुआ है, हमारे पास होल डॉट दिया हुआ है, ये हमारे पास फील्ड डॉट दिया हुआ है, तो जो उसने हमें डॉट्स वगैरह दिए हुए हैं, हमने डाउट तो हमें डॉट्स पे होता है ना, बेसिकली डाउट हमें वही होता है कि जहाँ हमें हमें लगे कि भाई यहाँ पे ये फंक्शन कंटिन्यूस हो सकता है, यहाँ पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो सकता है, तो ये होल डॉट पे हमें जो ना वो हम कह सकते हैं कि भाई शायद यहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाए। तो देखें इसीलिए हम जो ना इस डॉट के सामने थ्री है, ओब्वियसली फिर हम थ्री पॉइंट पे ही चेक करेंगे, ठीक है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री देखें भाई, क्वेश्चन नंबर थ्री का जो हमारे आपके पास ग्राफ यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पे ये भी हो आपके पास फील्ड डॉट है, यहाँ से ग्राफ चल के वन तक जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर इस तरह जा रहा है, यहाँ पे आपके पास फील्ड डॉट है, यहाँ पे कहीं भी आपके पास होल डॉट नहीं है, मतलब कि यहाँ पे आपका फंक्शन कंटिन्यूस है, इसलिए मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है कंटिन्यूस ऑन इंटरवल -1 से 3, यानी कि -1 से 3 के दरमियान हमारे पास ग्राफ ऑब्वियसली कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी जो है ना वो किसी भी पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा, फंक्शन जो है ना डिसकंटिन्यूस नहीं हो रहा, ठीक है। और दूसरी अगर मैं बात करूँ, एक और जो है ना वो हमने इसके बाद भी हमने जो है ना वो दूसरी कंडीशन ये पढ़ी थी कि आपने ये भी चेक करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है कि नहीं बराबर। तो देखें अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से अप्रोच करवाता हूँ, ये वन के ऊपर अप्रोच हो रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट से वन के ऊपर अप्रोच करवाया तो सामने वाई की वैल्यू वन, राइट हैंड लिमिट से वन के ऊपर अप्रोच करवाया तो सामने वाई की वैल्यू वन, लेफ्ट हैंड से अप्रोच करवाया तब भी वाई की वैल्यू वन, राइट हैंड से अप्रोच करवाया तब भी वाई की वैल्यू वन, लिमिट इक्वल आ चुकी है। तीसरी चीज ये थी कि जी ऑफ एक्स वो भी आपके पास, अब क्योंकि ये वन आ रही है दोनों की वैल्यू, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट वन आ रही है, तो फिर जी ऑफ वन की वैल्यू भी वन होनी चाहिए, तो जी ऑफ वन सॉरी यहाँ पे क्योंकि एच ऑफ एक्स लिया हुआ है तो एच ऑफ वन क्या होगा, यानी कि वन पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, वन पे जो है ना ये वन, यहाँ पे भी फंक्शन की वैल्यू वन नहीं है, वन के सामने भी फंक्शन की वैल्यू वन नहीं है, यानी कि सबसे पहले कंडीशन हमने ये चेक की कि एवरी पॉइंट पे जाना फंक्शन कंटिन्यूस है, कहीं भी डिसकंटिन्यूस नहीं हो रहा। दूसरी कंडीशन हमने ये चेक की कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर वन आया, फुलफिल हो गई कंडीशन। तीसरी ये थी कि एच ऑफ एक्स उस एक्स की जगह पर वन पुट करें तो वो भी है ना वो इसी के इक्वल होना चाहिए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट के, वो भी वन ही आया, इसका मतलब फंक्शन कहीं भी डिसकंटिन्यूस नहीं हो रहा, ये फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर, लास्ट क्वेश्चन, जो फंक्शन उसने दिए हो वाई इज इक्वल टू के ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन आप नाम ले सकते हैं यहाँ पे, एल ऑफ एक्स, एम ऑफ एक्स, कुछ भी ले सकते हैं।
जी आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। सबसे पहले जो है ना वो आपको जो है ना देखें भाई ये फंक्शन जो है ना वो कंटिन्यूस है कि कंटिन्यूस नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले देखें आपके पास होल डॉट आ गया, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि भाई फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो सकता है। अब हम चेक करते हैं कि है भी है कि नहीं। देखें भाई अगर ये हमारे पास जो है ना वो कहता है कि डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू वन, यानी कि ये फंक्शन एक्स इज इक्वल टू वन के ऊपर डिसकंटिन्यूस है। क्यों डिसकंटिन्यूस है? क्योंकि बेसिकली हमारे पास एक्स इज इक्वल टू वन ये है, एक्स इज इक्वल टू वन हमारे पास ये है ना, तो वन के सामने अगर हम जो है ना वो देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया होल डॉट। एक तो ये चीज़ है, और दूसरी चीज़ ये देखें अगर मैं जो है ना वो लेफ्ट हैंड से अप्रोच करवाता हूँ और राइट हैंड से अप्रोच करवाता हूँ तो देखें फिर आंसर क्या आता है। अगर मैं लेफ्ट हैंड से वन के ऊपर, लेफ्ट हैंड से वन के सामने अप्रोच करवाता हूँ तो फंक्शन की वैल्यू आ रही है डेढ़, 1.5, 1.5। अगर राइट हैंड साइड से वन पे अप्रोच करवाता हूँ तो फंक्शन की वैल्यू आ रही है जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस की वैल्यू जीरो होती है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू जीरो है। राइट हैंड से वन के ऊपर अप्रोच करवाया तो एक्स एक्सिस के ऊपर तो वाई एक्सिस जीरो है, लेफ्ट हैंड से वन के सामने अप्रोच करवाया तो सामने वाई की वैल्यू थी डेढ़, इसकी जीरो उसकी 1.5 इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि ये जो है ना वो डिसकंटिन्यूस, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट जो है ना वो भी इक्वल नहीं आ रही, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया। मजीद इसको डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे उसने यही लिखा हुआ है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन के ऊपर नेगेटिव के एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन के ऊपर पॉजिटिव के एफ एक्स, इसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन जो है ना वो कंटिन्यूस नहीं है बल्कि डिसकंटिन्यूस है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। बहुत ईजी एंड बहुत ही सिंपल लेक्चर था। इस तरह के लेक्चर मैंने पहले भी अपलोड किए हुए, फंक्शन जो है ना वो कहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करती है कहाँ पर नहीं करती, फिल डॉट का क्या मतलब है, होल डॉट का क्या मतलब है। अगर आपको कोई क्यूरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई लाजमी मिलेगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करें, मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन करें। वहां पे जाना वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां पे आप जाना वो आकर रब्ता कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। लेक्चर रिलेटेड जाना वो आप लोग जाना अपनी क्यूरीज को शेयर करके अपनी प्रॉब्लम्स को जाना वो सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।